अस्सलाम वालेकुम बच्चों बच्चों, ये हमारी फोर्थ की क्लास है और आज हम मैथ में क्या करेंगे, टेबल ऑफ एट पढ़ेंगे, यानी एट का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। आज तक हमने टेबल ऑफ टू भी पढ़ लिया, थ्री भी पढ़ लिया, फोर भी पढ़ लिया, फाइव भी पढ़ लिया, सिक्स भी पढ़ लिया और सेवन भी पढ़ लिया। मैंने आपको ये सब सेवन तक टेबल जो है ये कंप्लीट कर दिए। आज हमारा क्या है, टेबल ऑफ एट हमने आज क्या करना है, हमने बच्चों टेबल ऑफ एट हमने पढ़ना है, यानी आठ का पहाड़ा आज हमने पढ़ना है। ओके बच्चों, जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे एट इंटू वन, यानी एट इंटू वन, एट वन अजार एट, यानी एट मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू एट। ओके, उसके बाद एट इंटू टू, यानी हम क्या करेंगे, एट के साथ एट और ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कितने हैं, एट हैं, तो इसके बाद हम एट और इसमें क्या करेंगे, ऐड 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी 8 2 16, फिर 8 इंटू 3, यानी 16 से आगे हम क्या करेंगे, एट और काउंट करेंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 8 3 20 4। ओके, उसके बाद 8 इंटू 4, यानी 24 से हम आगे क्या करेंगे, एट और काउंट करेंगे, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, यानी 8 4 32। ओके बच्चों, तो उसके बाद क्या करेंगे, 8 इंटू 5, यानी 32 से आगे हम क्या करेंगे, 5 और इसमें काउंट करेंगे, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, यानी 8 5 40, 40। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 इंटू 6, यानी 40 के बाद हम क्या करेंगे, इसमें 8 और ऐड करेंगे, 8 और ऐड करेंगे, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, यानी 4 8 6 48। ओके, यहाँ तक हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 8 इंटू 7, 8 इंटू 7, 8 7 8 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 48 से आगे और 8 काउंट करेंगे, 49, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, यानी 8 7 56। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे, 8 इंटू 8, यानी 8 8 56 के आगे हम 8 और ऐड करेंगे, इसमें 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64। ओके, तो उसके बाद 8 इंटू 9, 8 इंटू 9, यानी 8 9 कितना हो गया, 64 से आगे हम क्या करेंगे, 9 और 8 और काउंट करेंगे, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 8 9 72। ओके, उसके बाद 8 इंटू 10, यानी 8 10 8 10 कितना होता है, वो 70 72 से हम आगे 8 और काउंट करेंगे, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ओके, 80, 8 10 80। हाँ, तो ये हो गया हमारा 8 का टेबल, यानी 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। यानी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 8 1 8, अब 8 2 यानी 8 के आगे हमें और इसमें 8 ऐड करने हैं, वो हो जाएगा 60।
उसके बाद जब 16 पे हम पहुंचेंगे, 8 3 हजार, हमें 16 से आगे 8 और ऐड करने हैं, वो हो जाएंगे 24। तो उसके बाद हमें 24 के बाद 8 और ऐड करने हैं, वो होंगे 32। 32 के बाद 8 और ऐड करने हैं, वो होंगे 40। 40 के बाद हमें क्या करना है, एक 8 और इसमें जमा करने हैं, ऐड करने हैं, काउंट करने हैं, वो होगा 48। उसके बाद 48 के बाद हम 8 और ऐड करेंगे, वो होगा 56। उसके बाद और हम इसमें क्या करेंगे, 56 के बाद काउंट करेंगे, 64 हो जाएंगे। 64 के बाद हम और 8 ऐड करेंगे, वो 72 हो जाएंगे। 72 के बाद और ऐड करेंगे, वो हो जाएंगे 80। यानी ये हमारा 8 का टेबल हो गया अप टू 10। ओके बच्चों, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, एंड 8 10s are 80। ओके बच्चों, ये हमारा 8 का टेबल हो गया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 9 का टेबल, उसके बाद हम करेंगे क्या, टेबल ऑफ 10। ओके बच्चों, अप टू 10 हम ये टेबल कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक्स।